रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 16 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह युद्ध किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा है। लेकिन अब रूस जिस बात से इनकार करता आया था, अब वो वही बात खुलेआम कर रहा है, यानी कि यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात हम नहीं बल्कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड दिमित्री मेदवेदेव ने खुले मंच से ये कह दिया है, जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातों ही बातों या इशारों ही इशारों में कहा करते थे। दरअसल दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि अगर यूक्रेन जंग में जीत की तरफ बढ़ता है तो रूस को परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेदवेदेव ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि नेटो के समर्थन से यूक्रेन जीत जाता है तो हमारी जमीन के एक हिस्से को अलग कर देता है, तो हमें रूस के राष्ट्रपति के हुक्म की तामील करते हुए परमाणु हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस स्थिति में कोई विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए हमारे दुश्मनों को हमारे जवानों की जीत की प्रार्थना करनी चाहिए, वो ये सुनिश्चित करें कि दुनिया में परमाणु हथियार की आग ना भड़के। हालांकि इस सब के बीच 29 जुलाई 2023 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हालिया दिनों में जंग के मैदान में कोई गंभीर बदलाव नहीं हुआ है। 4 जून से यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर अपने सैन्य हथियार गवा दिए हैं। वहीं यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज अपनी जमीन वापस लेने के लिए सफलता की तरफ बढ़ रही है, हालांकि उसकी रफ्तार उम्मीद से धीमी है। आपको बता दें कि दिमित्री मेदवेदेव अपने बड़बोले बयानों को लेकर जाने जाते हैं। वो साल 2008 और 2012 में रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा वो 2012 और 2020 के बीच रूस के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हालांकि मेदवेदेव को पुतिन के मुकाबले ज्यादा उदार माना जाता है, लेकिन अक्सर वो अपनी बयानबाजी से चर्चा में बने रहते हैं। मेदवेदेव ने पहले भविष्यवाणी की थी कि साल 2023 की शुरुआत में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जो कि ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 2023 में ब्रिटेन एक बार फिर से यूरोपीय संघ का हिस्सा बन जाएगा, जिसकी वजह से उसकी करेंसी यूरो भी इस्तेमाल से बाहर हो जाएगी, जो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा मेदवेदेव ने यह भी कहा था कि 2023 में तेल के दाम $150 प्रति बैरल हो जाएंगे और गैस की कीमत $5 प्रति एक क्यूबिक मीटर हो सकती है।